अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम तेरे यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम सूरत आल में आपको और ग़ुलाम नबी सुमरो साहब आपको खुश आमदेद। नाज़रीन, आज हमने ग़ुलाम नबी सुमरो साहब को स्टूडियो में इसलिए ज़हमत दी है कि तीन दिन पहले एक डिबेट हुई है जो कॉन्टेस्टिंग प्रेसिडेंट हैं, एक कमला हैरिस है और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके बीच में सुमरो साहब डिबेट हुआ था, आपने देखा होगा। उस डिबेट में कहा जाता है, जो उन्होंने अपने अदाद शुमार दिए हैं, कि डिबेट के बाद या जितने भी लोग थे उनमें से 63% वो फेवर दे रहे थे कमला हैरिस को, और 37% वो कह रहे थे कि नहीं, ट्रंप की जो थी वो बेहतर परफॉर्मेंस थी परफॉर्मेंस के हिसाब से। एक जेस्चर ये मैंने देखा कि जब स्टेज पे आई है कमला, तो उन्होंने आगे बढ़ के और जो डाइस था ट्रंप साहब का, वहाँ जाके उनसे हैंडशेक किया है और उसको अपना तारुफ कराया है कमला हैरिस, क्योंकि ट्रंप आपने देखा उसका नाम सही नहीं पुकारते। अब वो कहते हैं कि अमेरिकन इमरान ट्रंप है और जो पाकिस्तानी ट्रंप है वो इमरान खान है, तो इनकी ये रिसेम्बलेंस भी आप जहन में रखिएगा। और दूसरी ये जो ये कहते हैं हमारे दोस्त कहते हैं ना पीटीआई वाले, एक चीज़ मुझे माननी पड़ेगी, जो ये नरेशन बनाते हैं फिर उसका प्रोमोशन करते हैं वो गजब का है। पीटीआई पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये इनका ये है कि इमरान खान बस नवंबर में इलेक्शन हो जाएं, ट्रंप जैसे आएगा एक फोन घुमाएगा और इमरान खान जो है वाडियाला जेल से बाहर प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंच जाएगा। लेकिन इस डिबेट के बाद मुझे तो इसमें बहुत बड़ा, यानी कि इसमें भी प्रॉब्लम लग रही है कि मुझे नहीं पता कि कौन आ रहा है प्रेसिडेंट। आपको ज़्यादा इस पर आपकी इस पर फोकस भी आप हैं, लेकिन ये जो 37 और 63 का फ़र्क है ये भी बहुत है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें पीटीआई वाली बात और फिर जो डिबेट है उसके ऊपर प्लीज़। मोहतरम अनवर कादरी साहब, मेहरबानी, आपका सवाल डिबेट के हवाले से है और उस डिबेट के पाकिस्तान पर असरात के हवाले से भी है, तो हम उस डिबेट पर जाते हैं। जो डिबेट जो है वो अमेरिका की उन 7 रियासतें जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें फिलाडेल्फिया में हुई, 90 मिनट पर मुहैया ये बातचीत है, और आपकी बात को कंफर्म करते हैं कि उसने कमला हैरिस साहबा ने अपना तारीफ कराया, अपना नाम बताया ट्रंप साहब को। ये मैं भी देख रहा था, मुझे भी मतलब बना ये गेस्चर जो है वो अच्छा लग रहा था। इस बात से भी आपके मुतफिक हैं कि इसी डिबेट के बाद जो पसंद करने वाले लोग हैं कमला को, वो कहते हैं कि थोड़े बड़े हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस है डिबेट की वो बिल्कुल, आप ये सही कहते हैं कि 60+ है, 60+ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि कमला हैरिस ने ये डिबेट जीत ली है। अब आते हैं जो आपने बात की कि अगर ये इलेक्शन ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत जाते हैं, जिस तरह के हमारे दोस्तों को ये उम्मीद है कि हो सकता है ये हो, मगर आसार तो ऐसे नहीं लग रहे। मगर अगर पिछले ट्रंप दौर में जब बानी पीटीआई यहाँ वज़ीर आज़म थे और ट्रंप जो है वो सदर रियासत मुत्तहिदा अमेरिका थे, तो उस ज़माने में उनकी जो वाशिंगटन में मुलाकात थी, उस मुलाकात में ट्रंप जो है वो, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारी भी है और बड़ा सनतकार भी है और बड़ा सियासतदान भी है, और फिर अमेरिकी सदर जो है वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा भी है, तो ट्रंप जो है वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का सदर है और उसकी उसके इंटरेस्ट के लिए उसके लिए बात करेगा, वो अपने वतन के लिए बात करेगा, अपने मुल्क के लिए बात करेगा अगर ये 5 नवंबर के इंतखाबात में वो जीत पाता है तो। आपको ये नहीं लगा, आपने कहा कि वो उसने आगे बढ़ के जब अपना तारुफ कराया, वो तो नायब सदर है अमेरिका के इस वक्त सिटिंग, तो उसको तो जानते ही, अच्छी तरह से जानते भी हैं। लेकिन मैंने जो आपसे ये कहा कि वो उनका जो नाम है उसका तलफ़ जानबूझ के
नहीं लेते, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे बने हुए थे कि चादर किस तरह से पहनी जाती है, अब वो चादर वाले साहब किस तरह बैठे हुए हैं और मौलाना के लिए क्या कुछ नहीं कहा जाता। तो ट्रंप भी इस तरह से वो पर्सनल हो जाते हैं, उसकी एक नेचर है, वो पर्सनल होकर शायद समझते हैं कि अमेरिकन आवाम को या जो वहाँ पे वो जो रेसिज्म को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, हालांकि उसके जो वहाँ पे ब्लैक रहने वाले हैं वो भी उसके अच्छे खासे वोटर हैं ट्रंप के, और उसके बड़े दिलदादा हैं। एक तो सिंगर है, वो तो इसका दिलदादा है। अच्छा, दूसरा जो वहाँ पे एक है कि एबॉर्शन है, वो ट्रंप ने आके उसको कह दिया कि ये एबॉर्शन जो लिजिटमाइज नहीं है। उसके ऊपर जो कमला ने कहा है कि ये तो जो औरत की आज़ादी है, अमेरिकन औरत की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, उसकी मर्जी है कि वो बच्चा पैदा करना चाहती है या नहीं नहीं चाहती। नस्ल की बात भी हुई थी, ये सब चीज़ें हुई थी। अच्छा, अब मैं चलें, जो हुआ वो तो आपने हमें बता दिया। अब अगर अगर आ जाते हैं, अब ट्रंप आ जाते हैं या कमला आ जाती है पाकिस्तान के ऊपर, और ख़ास तौर पर अभी जो कहा जाता है कि ये जो हमारी इस वक्त की जो पोजीशन बनी हुई है कि यहाँ पे अदम इस्तेहकाम है, यहाँ पे मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी तौर पे है, या फिर हमारे अमन अमान की सूरत हाल, तो ये आप समझते हैं कि जो चाइना और अमेरिका की एक कोल्ड वार है उसके असरात पाकिस्तान में आ रहे हैं, सीपेक अभी तक नहीं बन रहा है, उस पर अगर अगर ये कमला हैरिस साहब आ गई तो कुछ फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के हवाले से, या उनकी पॉलिसी बाकी दुनिया के लिए वैसी होती है चाहे रिपब्लिकन आ जाए या डेमोक्रेटिक आ जाए? कमला जी, आपका सवाल बहुत गहरा है। पहले तो हम इसकात पर बात करते हैं क्योंकि उस पर बड़ी बहस हो रही है, दुनिया में भी हो रही है और अमेरिकी शहरियों का तो ये मसला है। ट्रंप के ज़माने में ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को अपॉइंट किया था, तैनियात किया था, तो उन्होंने अबॉर्शन के कानून को ख़त्म कर दिया था। हैरिस कहती हैं कि हम तौलीदी हुकूक जो हैं उसके लिए कानून साजी करेंगे और हम इस कानून में जो औरतों के हकूक हैं वो उनको वापस देंगे और तौलीदी जो हकूक हैं औरत के वो उसको वापस दिए जाएंगे और अबॉर्शन के और इस्कात के हमल के मसले को दोबारा देखा जाएगा। अब ये बात करते हैं कि आपने नस्ल पर से ये बात की, ट्रंप जो है ना वो स्टेट फॉरवर्ड है ना बातों करने का, बयान दाग देना, तो यूं उसने अभी जब डिबेट में बात की तो उन्होंने हेटी के इमिग्रेंट्स के लिए बात की कि वो पेट्स खा जाते हैं, वो कितने बिल्लियाँ खा जाते हैं, कि ABC टेलीविज़न ने जो डिबेट नशर कर रहा था उन्होंने भी रोक कर उसको कहा कि ऐसा नहीं है, हमने वेरीफाई किया कि ऐसा नहीं है। तो ट्रंप ऐसी बातें कर जाता है, शायद हर जगह सियासतदानों को ऐसी बातें करने की आज़ादी है। या मिसाल के तौर पर उसने एक अजीब बात की जब हैरिस ने कहा कि आपके जलसों में लोग नहीं आते या आते हैं तो फिर बोर होकर चले जाते हैं, तो ट्रंप ने कहा कि आपकी तरह मैं नहीं करता कि बसों में लोग भर के इधर लेके आऊँ। तो मुझे पाकिस्तान याद आ रहा था कि यहाँ हम बसों में भर के जलसों में जाते हैं, पहुँचाते हैं। अब आते हैं जो आपके सवाल का जो कोर है, बुनियाद है, वो है पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात हमारी पॉलिसी की वजह से भी ठंडे हैं। जब आलमी उफक पर ये नज़र आ रहा था कि बारक ओबामा और आगे चल के ट्रंप ये लोग जो हैं ये अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं, तो उसी में हमारी हुकूमत ये जो थी 2013 से 2019 तक 20 तक 21 तक उनको अहम रोल अदा करना था, मगर उस ज़माने में हमारी अशराफिया ने, हमारी सियासतदानों ने और हमारे अदालतों ने ये किया कि हम अपने वज़ीर आज़म से खेल रहे थे, हम उसको मोदी का यार करार दे रहे थे, हम अपनी इधर गेम लगा के बैठे थे और दुनिया में बहुत बड़ी गेम चल रही थी। वो ज़माना था कि जब हम
हम दोहा की जगह पर, कतर की जगह पर अगर हम मेज़बानी करते, हम इन सारे मुज़ाकरात की मेज़बानी हम करते, तो हमारी पोजीशन आज अमेरिका के नज़र में दूसरी होती। मगर पाकिस्तान, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्योंकि बहुत अहम मुल्क है और उसका जुग्राफिया और उसकी अहमियत जो है आलमी सियासत में वो अहम है, इसीलिए इस वजह से चीन या रूस या कोई भी मुल्क किसी भी वजह से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहेंगे और नई आने वाली हुकूमत जो है वो उससे हमें उम्मीदें हैं कि वो हमें बेहतर तवज्जो देगी और हम भी ये चाहेंगे कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सॉवरेन नेशन के तौर पर पाकिस्तान का जो हक है वो पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको जैसे हमेशा तस्लीम करता आया है अब भी तस्लीम करें। अच्छा, आप थोड़ी सी प्रिडिक्शन चाहिए मुझे दो चार जुमलों में, आप क्या समझते हैं कि इनकी जो कॉन्टेस्ट है, मतलब जीतने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पर्सनलिटी के हिसाब से नहीं, कि वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं या कम हैं? सिर्फ अनोदी बात ये है कि नसीब की बात होती है ना, इससे पहले जो डिबेट हुई है वो बाइडन और ट्रंप के बीच हुई है, इसी सेम जो 5 नवंबर के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसी के लिए पहली डिबेट जो है वो बाइडन और ट्रंप के दरमियान थी, जहां ट्रंप मकबूलियत की मतलब मना ऊंचाइयों पे था। जब दूसरी डिबेट हुई है तो उसी में लगता है कि हैरिस जो है, कमला हैरिस जो है, वो मकबूलियत में ट्रंप को पीछे छोड़ चुकी हैं। वही स्विंग, सात स्विंग स्टेट्स वाली बात जो करते हैं कि जहां वोटर इलेक्शन जीतने कौन सा सदर अमेरिका बनेगा वो रियासतें फैसला करती हैं, उसी में भी 5 रियासतें जो हैं वो कमला हैरिस के लिए पॉजिटिव हैं। तो समझते हैं कि आपके कहने से मैं समझ सकता हूं कि चांसेस हमें लगते हैं, तो पीटीआई वाले दोस्तों के लिए यहां पे भी अब क्या कह सकते नाज़रीन, अब पीटीआई वाले दोस्त उम्मीद लगाए हुए थे। गुलाम नबी सुमरा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, जाते जाते आपको एक बात बता दें कि पाकिस्तान में जो आइनी पैकेज लाया जा रहा है वो आज टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस पर आप अंदाज़ा लगाइएगा हमारे जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी संजीदगी, के प्राइम मिनिस्टर साहब के जो फर्जंद हैं मोहतरम हमजा शरीफ साहब वो फ्रांस में बैठे हुए हैं, तो इनकी वो शार्टेज हो गई। अब वहाँ पे तो एक और दो की कहानी चल रही है ना कि 224 का मैजिक फिगर इनको चाहिए, तो इसके इनके पास अभी 221 या 222 हैं, दो तो और भी चाहिए होंगे, लेकिन उनमें से भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब के जो बेटे हैं हमजा शरीफ साहब फ्रांस में बैठे हों, बहरहाल वो चल पड़े वहाँ से, तो इससे इनकी संजीदगी जाहिर होती है। अब मुझे नहीं लगता कि ये अपना पूरा जो भी होगा होमवर्क करने के मतलब पहले जा चुके होंगे ये टेबल करने के लिए, इन्होंने होमवर्क पूरा किया हुआ है, क्योंकि इस होमवर्क के पीछे प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं और जरदारी साहब कच्ची गोलियां नहीं खेलते, तो आज तो नहीं हुआ टेबल, ये कल होगा, तो हम फिर आपसे परसों रब्ता करेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन की आपके आगे हम फिर भी दरख्वास्त रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।